हाय गाइस, ये मेरी बहन है और हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है। अरे तू भी बोलना कुछ। बेबी तुम्हारा फोन कहाँ है? मेरा फोन मम्मी के पास रहता है। अगर पकड़ी गई तो? तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारा नंबर बैटरी लो के नेम से सेव कर रखा है। जैसे तुम्हारी कॉल आती है मम्मी कहती है ये लो बेटा चार्ज कर। उसका 4 बार फोन आ चुका है मुझे ये बताने के लिए कि उसे मुझसे बात नहीं करनी। अबे यार, मैंने सुना तेरे पास हर चीज का इलाज है। अबे भाई तुझे पता ही है मेरा। अब यार मेरा भी तो इलाज करना। हाँ तो बताना क्या दिक्कत है। यार मुझे सोने के बाद नींद नहीं आती, पानी पीने के बाद प्यास नहीं लगती और खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती, क्या करूँ मैं? तो भाई इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। क्या यार मुझे बताना। पूरी रात धूप में बैठ ठीक हो जाएगा। जोर का झटका। भाई क्या हुआ, इतना दुखी क्यों है तू? भाई खाया चाइना वालों ने और हाथ हम धो रहे हैं। मैं बस वक्त का मारा हूँ, वक्त आने पर सबकी मारूंगा। फिर से मुचाचो। शहर की लड़कियां बोलती हैं, और उसी बात पे हमारे यूपी बिहार के लड़के बोलते हैं, हमारे बारामा में उम्र भर किसी के हो न सकेंगे। मुझे आज एक बात पूछनी है। अबे क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? अब मेरे ही पापा हो ना? हाँ मैं हूँ। सच बताओ। अबे हाँ मैं ही तेरा बापू, मैंने ही तेरा क्या क्या हो गया? तुम इस ब्लॉग पे सब लोग कमेंट क्यों करते हैं? क्या कमेंट करते हैं? कमाल का लड़के, कमाल का लड़के। अरे माँ नहीं पीता मैं सिगरेट यार। नहीं तू पीता है मुझे पता है। अरे सच में यार? नहीं मुझे तो इस पे भरोसा नहीं है मेरी कसम का। अब इसमें कसम खाने की क्या जरूरत है यार? नहीं नहीं है तेरे पे भरोसा, तू कसम खा मेरी। अच्छा ठीक है, आपकी कसम नहीं खा रहा हूँ। हाँ हाँ आपके सिर की कसम नहीं खा रहा हूँ। मरते सुन सुना बेबी मेरे को कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनाओ ना। आलावारा के लवारा वाहन के लखड़वा अर पानी अड़वा अर पानी जी। क्या समझते हो तुम अपने आप को? बहुत बड़े मस्करे हो तुम, बहुत बड़ा जोक मारा है तुमने। मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। दिल तो हर जगह से टूटा हुआ है मेरा, दिल के हर कोने हर दीवार में छेद है, मगर कोई तो हो जो झांक कर अंदर आने में दिलचस्पी रखे, झांक कर भागने में नहीं। भाई साहब मैं आधे घंटे से देख रहा हूँ, आप बार बार बाथरूम जा रहे हैं आ रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं आ रहे हैं, क्या बात, चैन नहीं है क्या आपको? चैन तो है मगर साली खुल नहीं रही। भाई तुझे कभी किसी ने किस किया है क्या? हाँ किया है ना, जब मैं 20 साल का था तो मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, एक लड़की मेरे पास आई, मुझे किस किया और बोली ए 10 रुपए देना। बदतमीज, रुक जा तेरे पापा को बोलती हूँ। उनको क्या बोल रही है पगली, वो तो पहले से शादीशुदा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लड़कियां चाहे कितनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो,
लेकिन पानी पूरी खाने के बाद पैसे वो अपने अपने ही देती है। किसी साइड से? भैया मैं वो लड़की वालों के साइड से। सिपाही शादी में घुस जाते हैं खाने पीने, क्या ही है? सॉरी भैया सॉरी। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया? शादी में घुस रहे भैया बिना बुलाए। अरे भाई साहब मेरी बात सुनिए, अभी आप जो खाना बचेगा ना आप सब रोड पे फेंक दोगे, पर बेचारा कोई गरीब खा लेगा तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? भाई साहब मेरी बात सुनिए, भिखारी गरीब आपको दुआ देके जाएगा, आप जाइए, मैं इसको समझाता हूँ। मत करना है ना, मैं इसको समझाता हूँ, अगली बार ऐसा नहीं करेगा। हाँ भैया थैंक यू भैया। अबे थैंक यू की बात नहीं है, अगली बार किसी की शादी में जाए ना तो अच्छे कपड़े पहन के जाना, अब मुझे ही देख ले तू। आपने वो चोर देखा क्या? प्लीज मुझे बताओ यार वो चोर कहाँ गया? हाँ हाँ भैया आगे ना चार गली है, उसमें से जो तीसरी गली है ना उसके अंदर चार मकान है, उसमें से जो तीसरा मकान है ना उसके अंदर चार फ्लोर है, उसमें से जो तीसरा फ्लोर है ना उसके अंदर चार कमरे हैं, उसमें से जो तीसरा कमरा है ना उसके अंदर चार अलमारी है, उसमें से जो तीसरी अलमारी है ना उसके अंदर चार लॉकर है, उसमें से जो तीसरा लॉकर है ना उसके अंदर गीता रखी है, उसकी कसम मुझे नहीं पता। जिंदगी जीने के बस दो ही तरीके हैं, किसी को पता हो तो मुझे भी बता देना, मैं भी थोड़ी सी जिंदगी जी। वैसे बात तो सही। मम्मी तुम क्यों काम कर रहे हो? क्या करूं बेटा, तेरी बीवी तो कुछ काम करती नहीं, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ऐसा कैसे काम नहीं करती है, मैं बात करता हूँ उससे। चलो निधा। क्या है? आज के बर्तन मैं कर लूं? हाँ। भैया गरम मसाला है, चलो एक पैकेट देना। एक मिनट रुको। ये कैसे दे रहे हो? गरम है ना? हाँ? महिला यार। हाँ हाँ हाँ। देशवासियों, देश का युवा अब जाग चुका है, अब ये उठेगा, ब्रश करेगा और 1.5 GB खत्म करेगा। ओए होए, आई लव यू। बदतमीज, रुक जा, तेरे पापा को बोलती हूँ। उनको क्या बोल रही है पगली, वो तो पहले से शादीशुदा है। इस खिलौने को संभाल के रखो, रात को मच्छर मारने के काम आएगा। कमीनो, फिर से लॉकडाउन बढ़ गया। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस।